इंग्लैंड में चल रही भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने शर्मनाक प्रदर्शन की वजह से जीते जा सकने वाले मैच में भारत की हार हो गई। इस मैच में भारत और इंग्लैंड दोनों ही टीमों के बल्लेबाज असफल रहे। भारत की हार के बाद भारत के सफल स्पिनर आर अश्विन ने भारतीय बल्लेबाजों के बचाव की कोशिश की है। इस मैच की पहली पारी में भारत के कप्तान विराट कोहली के टीम के आधे से ज्यादा रन बनाए थे। अश्विन ने भारतीय बल्लेबाजों का बचाव करते हुए शनिवार को कहा कि एजबेस्टन की पिच चुनौतीपूर्ण थी और इस पर दोनों टीमों के बल्लेबाजों को संघर्ष करना पड़ा। पहले टेस्ट मैच में 31 रन से हार के बावजूद अश्विन ने कहा कि टीम के अपने प्रदर्शन से हौसले बुलंद हैं और 5 मैचों की सीरीज के लिए इस मैच में उसके लिए कई पॉजिटिव पहलू रहे। अश्विन ने मैच के बाद कहा कि जब आप रन बनाते हो और विकेट लेते हो तो आप ये सुनिश्चित करना चाहते हो कि ये विरोधी टीम के लिए नुकसान पहुंचाने वाला हो और आप जीतना चाहते हो, इससे आपको मैच से अधिक खुशी मिलती है और जब ऐसा नहीं होता तो आपको इसे लेकर थोड़ा निराश रहते हो। ये मैच उतार चढ़ाव वाला रहा और गेंदबाजों के लिए परिस्थितियां काफ़ी अच्छी थी। अश्विन ने कहा कि ये बल्लेबाजी के लिए मुश्किल पिच थी, अगर पहली पारी में जो रूट और बेस्टो की भागीदारी छोड़ दी जाए और फिर हमारी तरफ से विराट की पारियों को, तो मुझे नहीं लगता कि दोनों टीम के बल्लेबाज अधिक स्वतंत्रता के साथ रन बनाने में सक्षम रहे। इसमें संघर्ष करना पड़ रहा था और इसलिए मुझे लगता है कि हमें बल्लेबाजों को पूरी तरह से हार का जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।